कोई ऐसे स्टाइलों में जो फोटो खिंचाते हैं ना ये लड़के लोग, ये बहुत गलत है। बस आप लोग इसी का ध्यान रखो कि ऐसा बिल्कुल भी मत खिंचो ऐसे एक्शंस में। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी बेअदबियाँ हैं। मैं क्या बोलूँ, बल्कि अभी खादिम नहीं है ना तो इनको टोक के भगा देते। कल भी 3-4 मोबाइल जब्त हो गए। ये बहुत स्टाइलिश, ये जो हाथ उठाते हैं कुंबद इसके बीच में आता है और ये सब बेअदबियाँ करते। अभी क्या बोलूँ आपको, देखो ये बहुत बुरी बात है मेरे भाई, इससे बचो आप। देखो कितनी बेअदबी हो रही है। गरीब नवाज की बारगाह में ऐसा करना बोले तो बहुत मुसीबत। Today is 13th of Ramzan Sharif. I mean to say that the calendar date is what 15th of April 2022, and sharp 12:36 PM is now on. Jazakallah. आप देख सकते हैं आज बरोज़ 15 अप्रैल 2022 बाद नमाज जुमा का मंजर। हुजूर सरकार गरीब नवाज अताए रसूल। कुछ देर के लिए रूम पे आया हूँ मैं अपने, तो मैं आपसे बस ये शेयर करना चाहता था कि वालिद साहब के विसाल के बाद बहुत हालात पेचीदा होते चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी हार नहीं मानी और ना कभी मानूंगा। और आपके जैसे बहुत सारे लोग मोहब्बत करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस इतना ही कहना चाहता
कि वाली साहब को आज का ही दिन था यौम जुमा, और इसी दिन जुमा की नमाज के बाद वाली साहब की धीरे धीरे तबीयत ख़राब लगने लगी। फिर मगरिब में इफ्तार करने के बाद मगरिब की एन नमाज में उनको पैरालिसिस का अटैक मारा था शाहजहानी मस्जिद में, जिस जगह पे अटैक आया था वो जगह आपको बहुत जल्द बताऊंगा इंशाल्लाह मस्जिद में। अब वो मैं चाहता था कि सब कुछ आपको वीडियो पे बताऊँ कि कैसे वाली साहब पाकिज़ा होटल यानी दिल्ली गेट से चलते बुलंद दरवाजे तक आए, फिर जुमा कहाँ अदा की, फिर कैसा क्या किधर क्यों, लेकिन ये सब बातें बोलने की जगह मैंने मुनासिब समझा कि शॉर्टकट में आपको बताता चलूँ कि आज ही का वो दिन था, इन्हीं में से एक दिनों में से एक दिन था जुमा, हालांकि वो 22 रमज़ान कुछ था और उस दिन जुमा था 2017 को 22 या 23 रमज़ान गालिबन। बहरहाल बोलने का मतलब ये है, ये शायद 27 रमज़ान, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। खैर जो भी है, जो भी जुमा था, लेकिन रमज़ान शरीफ का जुमा था जिस दिन वाली साहब को पैरालिसिस का, तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है अजमेर शरीफ में, वहाँ पे उनको एडमिट किया गया था। तो बस ये कह रहा था कि हालात तो बहुत पेचीदा होते गए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर लोग मेरा 16,30,000 रुपये उधार दे देते तो शायद इतनी परेशानियाँ वाली साहब के दौर के बाद नहीं आती, लेकिन उसे मेरी भी गलती है कि मैंने बांट दिया, अब झेलना तो है। कुछ लोग तो ऐसे जो 38,000 नहीं देते ज़कात का पैसा, किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो सब लोग स्टेटस देख रहे आज अजमेर शरीफ से डाल दिया, जिसको जो सोचना है सोचो, क्योंकि मेरा पैसा है, मेरे को तो कोई गम नहीं, मैंने तो किसी का नहीं खाया ना। तो बस यही कह रहा था कि वालिद साहब की वो यादें ताज़ा हो गई आज, कि आज वालिद साहब की बहुत कमी महसूस होती है हर पल हर लम्हा। बहुत बहुत मोहब्बतें करते थे वालिद साहब को, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा था और उनके सदक़े हमको भी नवाजेगा इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं। जज़ाकअल्लाह। या सरकार गरीब नवाज। खादिम साहब के साथ हूँ अजमेर मौला के खादिम खास। देखो हजरत का हाथ, देखो आप हाथ नहीं है फिर भी हजरत सारी खिदमतें अंजाम देते बारगाह गरीब नवाज में। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। आप लोग दुआ कीजिए हजरत के लिए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आप देख सकते हैं आज बरोज 15 अप्रैल 2022 जुमा का दिन 13 रमज़ानुल मुअज़्ज़म रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जन्नती दरवाज़ा आप लोगों की आंखों के सामने हुजूर सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज असर का वक्त, इफ्तार से पहले का खूबसूरत मंजर, हुजूर अताए रसूल गरीब नवाज की बारगाह से आज बरोज 15 अप्रैल 2022 लाइव। ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल बाद नमाज मगरिब का मंजर आज बरोज 15 अप्रैल 2022।
देखो कितनी पब्लिक है, आप सब लोग ऑल ओवर इंडिया से जो जो देख रहा है। सलातो वस्सलाम अलैके हुजूर अताए रसूल, बकर दाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शकुस्ता रात कुश्ती, बाग के खा जय उस्मान हारून। मगरिब के बाद भी यहाँ पे खाना तकसीम होता है, लंगर चलते रहते, ऐसे डब्बों में आते हैं जगह जगह लंगर, और पूरा तकसीम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो उसमें सालन रहेगा, दाल रहेंगी, रोटी रहेंगी, चावल रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा रहता है मामला। तो अभी हुई तरावीह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख सकते हैं। अभी हुई तरावीह, अब लोग उतर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सरकार गरीब नवाज के दरबार शरीफ की चादर खुद्दामीन दरगाह, और इमाम साहब के तरफ से अता हुई, असल में इमाम साहब ने खुद्दामीन दरगाह को बोले तो उन्होंने चादर शाह साहब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम की कब्र पे पेश की जाएंगी इंशाअल्लाह। खुल्लाबाद शरीफ में जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलूँ, आज दिल अपना बहुत उदास है, क्योंकि आप देख सकते सरकार गरीब नवाज का बुलंद दरवाज़ा ताए रसूल अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी यहाँ की सड़कों में बस अभी रवा डोसा खा क्या है, आज तो खाना भी नहीं खाया गया, क्योंकि जब अजमेर शरीफ से निकलने का वक्त आता ना तो अपना खाना पीना गोया हराम हो जाता। तो क्या बोलूँ आपको, बड़ी अजीब कैफियत है। अब्दुलरहीम साहब के कमरे में आ गया हूँ, मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब दिख रहा है, इतने महंगे मोबाइल का कैमरा ऐसा हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कल की फ़्लाइट है, तैयारी अब्दुलरहीम साहब की तो शुरू हो गई, मेरी कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ हमारे कुछ ख़ास लोगों के लिए लिया। असल में अब्दुलरहीम साहब का पता ही नहीं था चार दिन से, अभी मिले मेरे को एक कमरे में, क्योंकि इनकी दुनिया अलग और अपनी अलग। अपन चले दरबार उठे सुटे आधी रात को, अब इनका बोले तो इनके बहुत पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुलरहीम साहब के यहाँ पे, तो उनसे मुलाकात वगैरह, यहाँ के खुद्दामीन से बहुत पहचान है अब्दुलरहीम साहब की, तो उनके साथ वक्त गुजरता था ऐसा है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज 16 अप्रैल 2022 सरकार गरीब नवाज की बारगाह से आज विदाई का दिन है। बहुत मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही असल में कैमरा पकड़ने की, आप देखो जग जग के मेरी आंखों का हाल है। बस दुआ कीजिए कि सरकार जो गरीब नवाज अता है रसूल का सदका अता हो, बस और कुछ भी नहीं, दुआ में याद रखिए फ़कीर को। आप देख सकते हैं आज बरोज 16 अप्रैल 2022 अल्हम्दुलिल्लाह शनिचर का दिन, हमारी अब वापसी है अल्हम्दुलिल्लाह किशनगढ़ से, सरकार गरीब नवाज अताए रसूल की बारगाह से लाइव। अस्सलाम वालेकुम पीपल, राइट नाउ फ्रॉम हियर अजमेर शरीफ राजस्थान, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मुंबई।
by a flight. So our flight is on 2:20 and the boarding time is 12:20. So we will get there soon, but I'm just now going for a last ziyara and salam and qadam bosi of Huzur Sarkar Muinuddin Hasan Chishti Ajmeri Gareeb Nawaz. Jazakallah khair. Today 16th of April 2022, and just have a dua for me, guys. Have a dua, and I will also just remember you in my prayers. And just what should I say now? There are no words as I'm heading towards Mumbai and leaving from Ajmer Sharif. I just can't believe that how my 4 days have gone, and I just couldn't understand that how these days have gone. Just what should I say? Khair, jazakallah khair. तो हम लोग निकल रहे हैं अजमेर शरीफ से. अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं दरगाह शरीफ जा रहा हूँ आप सबको लाइव ज़ियारत कराने. अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. टुडे सैटरडे एंड द टाइम इज़ 9:33 AM शार्प मॉर्निंग एंड आई एम हियर लाइव फ्राम दरगाह शरीफ हुजूर ख्वाजा अजमेर गरीब नवाज इंदल वली अताए रसूल. एंड गाइज आई एम जस्ट लिविंग फ्राम अजमेर शरीफ, सो आई हैव केम हियर for last ziyara of Huzur Gareeb Nawaz Atae Rasool. So you can Ram Thank you.